गुंटूर पीओपी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम वेंकैयम्मा है और मैं गुंटूर जिले के गणपावलम गांव की निवासी हूँ। मैं क्रांति समूह की अध्यक्ष हूँ। हम यावधि जनजाति से हैं। हमारे ग्राम संगठन ने हमारी पहचान अति गरीब परिवार के रूप में की और हमें 10,000 रुपये कर्ज दिया, जिससे हमने आधा एकड़ जमीन पट्टे पर लिया। सवा एकड़ जमीन पर हम SRI विधि से धान की खेती करते हैं और बाकी के सवा एकड़ जमीन पर हम सब्जी उगाते हैं। सब्जियों में हम मुख्यतः मिर्च, भिंडी, बैंगन, टमाटर और लता वाली सब्जियां जैसे बीन्स और करेली उगाते हैं। हम कई पत्ते वाली सब्जियां भी उगाते हैं। हम हर अगले दिन सब्जियां तोड़ते हैं और उसे पास के गांव में ले जाकर बेचते हैं। हर बार हमें 250 से 300 रुपए की आमदनी होती है। शुरुआत से ही हम NPM विधि से खेती करते आ रहे हैं। पहले हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। हम दोनों मजदूरी का काम किया करते थे। लगातार कड़ी मेहनत करने के बावजूद हम बच्चों को स्कूल के फीस और बाकी चीजों के लिए पैसे नहीं जुटा पाते थे। फिर हमारे ग्राम संगठन ने हमें देखा और हमें 10,000 रुपए कर्ज दिया। हमने फिर अपनी खेती शुरू की, जिसके फलस्वरूप अब हमारे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम सब एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। सवा एकड़ जमीन पर हम धान की खेती करते हैं। हमने सवा एकड़ जमीन के लिए 1 किलो 200 ग्राम बीज लिया। हमने SRI के लिए एक नर्सरी बेड भी तैयार किया। 11 दिनों के बाद हमने पौधों को चुन्नक की मदद से खेत में लगाया। हमारे क्लस्टर के कार्यकर्ता के संपूर्ण मार्गदर्शन से हमने अपने धान की खेती में सभी नियमों का पालन किया। हमने अपने खेत में चिड़ियों के बैठने के लिए छड़ी और फेरोमोन ट्रैप सफेद और पीले प्लेट के साथ लगाया है। सफेद और पीले प्लेट में मच्छर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मच्छर की आबादी कम हो जाती है। फेरोमोन ट्रैप द्वारा कई कीड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसमें फंस जाते हैं। चिड़िया आकर छड़ी पर बैठती है और कीट पतंगों को खा जाती है। हमने अपनी आंखों से चिड़ियों को कीट पतंगों को खाते हुए देखा है। फसल जब पकने लगता है तब हम इन सारी चीजों को खेत से हटा देते हैं। हमने देखा कि धान के खेत में कई प्रकार की बीमारियां भी लग जाती हैं। उसके बाद हमने नीमास्त्रम बनाया और इसका छिड़काव किया। धान के खेत को हमने गोबर, गोमूत्र और हींग के मिश्रण से बचाया। शुरुआती दौर से ही हमने कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है और NPM तरीकों का उपयोग करते आ रहे हैं। चूंकि हमने पौधों को एक एक करके खेत में लगाया, इससे हमें अच्छी उपज मिली। सवा एकड़ जमीन में हमने 10 बोरी गेहूं उगाया है। पिछले साल हमने 2 फसल लगाया। पहले फसल में हमने 10 बोरी अनाज उगाया और दूसरे फसल में 11 बोरी।
चार बोरी अनाज हमने अपने परिवार के लिए रखा और बाकी के 17 बोरियों को बेच दिया। सामान्य तौर पर बाजार में भाव 1150 से 1200 रुपए का मिल जाता है। चूंकि हमने एमपीएम तरीके से धान उगाया, इसलिए हमें प्रति बोरी 150 रुपए ज्यादा की कमाई हुई। 17 बोरी धान से हमने 26,000 रुपए कमाए। 10,000 रुपए हमें कर्ज मिले थे और 7,000 रुपए का हमने जमीन लिया था पट्टे पे, और बाकी के 3,000 रुपए हमने बीज और मजदूर पर खर्च किए। हमें एसआरआई और सब्जी की खेती से कुल 52,000 रुपए की आमदनी हुई। अति गरीब लोगों के लिए बनाई गई इस योजना से हमें काफी लाभ मिला। हमारे घर के लिए भी अब हमें सब्जी मिल जाती है, उसी प्रकार अनाज भी अब हमें प्राप्त हो रहा है। हमने 50,000 रुपए की बचत की है, जिसे हम बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम दिहाड़ी मजदूर का काम किया करते थे, तब हम 1 रुपए भी नहीं बचा पाते थे। तब जिंदगी काफी कठिन हुआ करती थी। अब हम आत्मनिर्भर हैं। 10,000 रुपए के कर्ज की राशि को हम 25 पैसे की ब्याज दर के साथ वापस कर रहे हैं। हर महीने हम 500 रुपए कर्ज वापस करते हैं। 500 रुपए का भुगतान करना काफी आसान और सरल है। हर दिन जब हम सब्जी को बिक्री करने जाते हैं, तो हम कुछ पैसे बचत करते हैं और उससे कर्ज वापस करते हैं। 30,000 रुपए की बचत करके हमने आधा एकड़ जमीन भी खरीदा है। अब हम आधे एकड़ जमीन के मालिक हैं। हम इस अति गरीब योजना से दिए गए कर्ज से काफी खुश हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोग भी इसी तरह खेती करें। हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने हमें कर्ज दिया। धन्यवाद।